हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10 आईटी चैप्टर 1 वेब एप्लीकेशन के पार्ट 3 को। देखिए, हमने नेटवर्क पढ़ लिया था, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? द टोपोलॉजी डिफाइंस एंड मैनेजेस एक्सेस टू द चैनल बाय द क्लाइंट्स। नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द बेसिक ज्योमेट्रिक लेआउट अकॉर्डिंग टू विच द सर्वर एंड क्लाइंट्स आर कनेक्टेड। तो ये क्या है? इट इज़ द मैनर इन विच अ नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड। मतलब क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। मतलब हम उन्हें सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। अगर हम उसे जो है स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के, इसका पहला पार्ट है। तो बस टोपोलॉजी क्या है? In this, all servers and clients are directly connected to a single common channel. तो इसमें क्या है? एक ये जो लाइन है, ये जो वायर है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक केबल। और इससे टी टाइप का एक कनेक्टर होता है जिससे पीसी कनेक्ट होती है। तो ये क्या बना रहा है? एक बस टोपोलॉजी बना रहा है। मीन्स एक ट्रंक केबल से बाकी सारे पीसीज जो है कनेक्ट हैं। तो इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इजी टू यूज़ है, सेंट्रलाइज केबल से पीसी कनेक्ट करता है, रिक्वायर लेस केबल लगती है एज़ कंपेयर टू द मेस टोपोलॉजी। और कनेक्ट करने के लिए कोई डेडिकेटेड डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, मतलब राउटर स्विच की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे ट्रंक केबल से अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। ट्रंक केबल क्या है? जो मेन केबल है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, देखिए क्योंकि कोई डेडिकेटेड डिवाइस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों होगी? पीसी जो है एक मैसेज को ये केबल में सारे मैसेज जो है सारे पीसी के पास पहुँच जाएंगे। अगर डेडिकेटेड डिवाइस होता तो इसमें ये क्षमता होती कि वो जो है मैसेज को ये डिसाइड कर पाता कि कहाँ पर भेजना है। तो इसमें कोई डेडिकेटेड डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी ये प्रॉब्लम है, अगर जैसे कोई केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, मतलब पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा अगर कहीं से भी हमारा मेन केबल का प्रॉब्लम आता है। तो फिर सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है? ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर। और इसमें क्या होता है? कोलिजन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोलिजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोलिजन प्रॉब्लम का मतलब एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर जो है मैसेज सेंड करेगा, बाकी सब जो है कोई मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? कोलिजन नहीं होगा एक टाइम में। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर अगर मैसेज सेंड करेंगे तो आपस में कोलाइड हो जाएगा, उसके मैसेज जो है स्पॉइल हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिंग टोपोलॉजी जो है कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका मतलब एक टाइम पर एक ही पीसी जो है मैसेज सेंड कर पाता है। फिर बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में जो मेन डिवाइस है, मेन जो उसके सेंटर, देखिए स्टार टाइप में जो है इसका कनेक्शन है, इसलिए से हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और जो मेन बीच में जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें हम हब भी यूज़ कर सकते हैं, राउटर स्विच कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड जो है टोपोलॉजी है। इसमें क्या है? बड़े नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यू डिवाइस को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अगर हम कोई न्यू डिवाइस इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो इस पूरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या है? अगर इसमें एक केबल जैसे वर्क नहीं कर रही है तो बाकी सारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसमें क्या था? बस टोपोलॉजी में क्या था? मेन केबल वर्क नहीं करती थी, मेन केबल में केबल अगर ब्रेक हो जाती थी तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता था। इसमें क्या है? अगर हमारी केबल एक नहीं वर्क करी तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर जो उससे कनेक्ट है उस डिवाइस से वो सारे वर्क करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी है स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस, मतलब जो सेंट्रल डिवाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा पूरा कनेक्शन जो है ठप हो जाता है। तो क्या होता है? पूरा कनेक्शन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है डिसएडवांटेज है।
और क्या है कि सिंगल केबल अगर जो है फेल होता है तो सिंगल जो कंप्यूटर है वही जो है काम करना बंद होगा, बाकी सारे हमारे कंप्यूटर काम करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी। मतलब इसमें सिर्फ दो ही टोपोलॉजी का कलेक्शन है, जो है जो दो टोपोलॉजी हैं वो है, पहला है हमारा बर्स्ट टोपोलॉजी और सेकेंड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये जो मेन केबल है ना, मेन केबल जो है ट्रंक केबल है, मतलब बर्स्ट टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी जो है इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह वर्क कर रहा है। ये बीच में जो है कोई डिवाइस है, उससे जो है हमारे पीसी कनेक्ट है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार और बस टोपोलॉजी के कलेक्शन से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। फिर हम फिफ्थ हमारा जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल केबल, हर एक पीसी के लिए एक इंडिविजुअल केबल होता है जो कनेक्ट करता है हर एक पीसी का, अलग अलग पीसी का अलग अलग पाथ दिया होता है, बहुत सारे केबल्स चाहिए होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हर एक केबल, इंडिविजुअल केबल अगर हम पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक पीसी से इंडिविजुअल केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्टली बहुत है और बहुत मैसी स्ट्रक्चर है, और जो है इसकी ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, हम इसके प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैसी होता है। और एडवांटेजेस ये हैं कि हम इंडिविजुअल केबल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये केबल जो है इंडिविजुअल केबल से अगर हम दो पीसी या उससे ज़्यादा पीसी इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज ये है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत मैसी होता है और हम जो है शॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि कौन से केबल में कौन सी दिक्कत है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग जो है इसकी मुश्किल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जैसे जिसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, ये जो है हमारा बस टोपोलॉजी है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी, इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बना रहे हैं, हमारे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज के लिए टोपोलॉजी जो है आपको समझा दिया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के तो टॉपिक हो गया है, कल हम जो है लैन मैन और वैन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।